आज ये बड़ा सुंदर निर्भय जी के द्वारा रचित बहुत सुंदर जो है ये लाइनें आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं राधे कैसेट के माध्यम से। बहुत सुंदर आप लोग सुनेंगे, शब्दों के साथ में यात्रा करिए कैसे जो है कवि निर्भय जी ने लिखा है। बेटा प्रदीप कि मुसीबत में न घबराए उसी को वीर कहते हैं, मुसीबत में न घबराए उसी को वीर कहते हैं, धरे जो धैर्य संकट में उसी को धीर कहते हैं, कवि निर्भय जी ने जो चार लाइनें बहुत सुंदर लिखी जो मुझे भी बहुत प्रिय हैं। सफल हो कार्य सम्मति से उसे सलाह कहते हैं, लगा दे पार जो कश्ती उसे मल्लाह कहते हैं, किसे कहते हैं कवि निर्भय जी लिख रहे हैं, आप शब्द ध्यान दीजिए, मुसीबत में सहायक हो उसी को मित्र कहते हैं, सुगंधित जो करे तन को उसी को इत्र कहते हैं, सुगंधित जो करे तन को उसी को इत्र कहते हैं, श्रद्धा से उसे सम्मान कहते हैं, मिले जो द्रव्य श्रद्धा से उसी को दान कहते हैं, और मिले जहां मान सुख सुविधा उसे सम्मान कहते हैं, मिले जहां मान सुख सुविधा उसे सम्मान कहते हैं, फरियाद जो सबकी उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जान ले भेद जो मन का उसे मर्माज्ञ कहते हैं, और क्या लिख रहे निर्भय जी, धर्म के तत्व को समझे उसे धर्माज्ञ कहते हैं, भस्म कर दे विकारों को उसी को यज्ञ कहते हैं, भस्म कर दे विकारों को उसी को यज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं निर्भय जी समझाना ये चाह रहे हैं, स्वयं बचकर बचा ले प्राण जो, स्वयं बचकर बचा ले जो उसे बलवान कहते हैं, दूसरे को बचा ले अपना मोहबरा हो जाए, स्वयं बचकर बचा ले तो उसे बलवान कहते हैं,
लगा दे प्राण पर हित में उसे बलिदान कहते हैं, लगा दे प्राण पर हित में उसे बलिदान कहते हैं। जो शान का जीवन उसे स्वाभिमान कहते हैं, ये बाबा साहब ने सिखाया। जिए जो शान का जीवन उसे स्वाभिमान कहते हैं। और मनोज कसौटी में खरा उतरे उसे महान कहते हैं, कसौटी में खरा उतरे उसे महान कहते हैं। किसी को ऊंचा मानना, अपने को नीचा मानना, बाबा साहब ने कहा ये तो व्यवस्था गलत है। स्वयं को नीच मत समझो ये कांसी राम कहते हैं, स्वयं को नीच मत समझो ये कांसी राम कहते हैं। यही आनंद कहते हैं ये लाला राम कहते हैं, यही आनंद कहते हैं ये लाला राम कहते हैं।